हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल रात में यहाँ पे बारिश हुई थी। बारिश क्या हुई थी दोस्तों? कल तूफान आया था और वो तूफान का नाम है जवात। बंगाल की खाड़ी से उठी थी और रात में यहाँ पर जो है कि काफ़ी अफरा तफड़ा मचाया और बारिश भी हुई थी और तेज़ी से हवा भी चल रही थी, जिसके वजह से हम किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और हालांकि हम भी कुछ अपने खेतों में सब्जियां लगाए थे, हमारी सब्जियां भी कुछ ख़राब हो गई हैं। और हमारे गांव में तो जो धान लगाए गए थे, धान भी गिर गए हैं। हालांकि जब बारिश होती है और हवा चलता है तो धान के जो ऊपर के धान रहते हैं वो गिर जाते हैं वजन पा के, तो काफ़ी नुकसान हुआ है हम लोगों का। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो खेत में जो सब्जी लगी थी क्या क्या नुकसान हुआ है, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस खेत को हम लोग कल बनाए थे गोभी लगाने के लिए, लेकिन कल रात में बारिश हो गई, इस वजह से हम लोग आज गोभी नहीं लगा पाए। और ये खेत काफ़ी कच्चा भी हो गया है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि पूरा पानी इसी खेत में आकर डूबा और ये काफ़ी गीला हो गया है। जब ये खेत पकेगा तब हम लोग इसमें सब्जियाँ लगाएँगे, अभी तो इसमें लगाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और चलिए देखते हैं कि जो हम पालक लगाए थे, पालक का क्या हाल है। दोस्तों, इस खेत में हम पालक लगाए हैं, बारिश होने की वजह से पालक के पत्ते ज़मीन में चिपक गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा पालक बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और कुछ तो पालक के जो पत्ते हैं बारिश की बूंदे की वजह से वो पत्ते टूट भी गए हैं। और यहाँ पर हम कुछ चने भी लगाए थे, चने भी ख़राब हो गए हैं, लेट गए हैं ज़मीन में, चिपक गए हैं। और आइए अभी इधर से दिखाते हैं आप लोगों को कि हमारा जो पालक लगा हुआ है, पालक के पत्ते बिल्कुल टूट गए हैं इधर का। और जब बारिश होता है तो पालक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है पालक को, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर पानी ज़्यादा लगता है पालक को तो पालक गल भी जाता है। तो देखिए हमारा पालक अभी सुधरता है या नहीं। और इधर तो चने भी पूरा लेट गए हैं, अब जब धूप होगा तब ये अपने आप ये खड़ा होगा। और आइए देखिए और क्या। दोस्तों, ये अरहर का पेड़ है और ये पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन इस तूफान की वजह से ये पेड़ भी गिर गया था ज़मीन पे। और जब बारिश होती है, हवा चलती है तो ज़मीन में दलदलाहट आ जाती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे गिर जाते हैं। तो सुबह में हम लोग उठे तो पहले बल्ली लगाकर और रस्सी से बांध कर इसे खड़ा किए, लेकिन फिर भी अभी ये रहर पूरी तरह से खड़ा नहीं है, अभी इधर की तरफ झुका ही है। देखिए कब तक ये सही होता है। दोस्तों, ये धान का पौधा है और ये धान का पौधा भी गिर गया था, तो सुबह में मम्मी इसे एक साथ लेकर बांध दी हैं और इसे खड़ा कर दी हैं। और साजन देखिए अभी सब्जी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारी खेत की सारी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं और इस समय हम लोग मार्केट की ही सब्जी खा रहे हैं। और इधर देखिए दोस्तों, तुलसी का पौधा भी गिर गया है। तो ये तूफान बहुत ज़्यादा नुकसान किया है हमारे खेतों को और हमारी जो सब्जियाँ हैं पेड़ पौधों को। तो फाइनली दोस्तों, हम आ गए हैं अपने रूम में और ये देखिए साजन अभी बाबू को खिला रहे हैं। छोटी हाय बोलो। देखिए छोटी आप लोगों को हाय बोल रही है। और जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो छोटी आ जाती है मेरे पास, क्योंकि ये बहुत ही खुश रहती है, ये भी चाहती है कि मेरा भी चाची फोटो खींचे और मेरा भी वीडियो बनाए। तो देखिए अभी मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ने के लिए इस पेज पे लिखी हूँ आप लोगों का नाम। तो देखिए आज कमेंट लगता है छोटी ही पढ़ने वाली है। पढ़ेगी बाबू? पढ़ो छोटी। तो देखिए दोस्तों, आज आप लोगों का नाम छोटी लेगी। छोटी
बोलो। हेलो फ्रेंड्स, बोलो। बोलिए बाबू, बोलिए पप्पू, बोल दीजिए। बोलो छोटी। पप्पू एक लोग का नाम है, बोलिए पप्पू, ये बोल सकती है ना, छोटा नाम है। बाबू बोलिए पप्पू, बोलिए। अब देखिए दोस्तों, और बोलो छोटी। सालू बाबू, सालू। देखिए दोस्तों, आप लोगों का अब ये छोटी बोलने लगी है। अभी तो इसका आवाज एकदम साफ साफ क्लियर नहीं आता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बोलती है। हेलो दोस्तों, बोल दीजिए। बोलो, बोल दीजिए। हेलो, बस यही इशारे कर रही है लेकिन बोल नहीं रही है, बहुत ही ज्यादा शर्माती है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों का नाम नोट की हूँ, जो भी लोग कमेंट करते हैं प्रॉपर, और आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आप लोग के कमेंट का हमेशा मुझे इंतजार रहता है। तो चलिए आप लोगों का नाम एक बार ले लेते हैं। क्या कर रही है बाबू? देखो कैमरा में देख देख के अपना चेहरा बना रही है, तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगर कैमरा ऑन रहता है तो छोटी आ जाती है, बस अपना दिखाने लगती है एक्टिंग। बार बार ये कैमरे के सामने कहती है कि मेरा शूटिंग करिए, मेरा फोटो खींचिए। तो देखती है तो ये इसको शौक होता है फोटो खिंचाने का। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का नाम एक बार ले लेते हैं। तो पहला कमेंट की है सुनीता जी, और इसके बाद हैं सालू सोनकर, इसके बाद हैं पुष्पा रावत, ममता जी हैं, सोनिया हैं, घनश्याम यादव जी हैं, सुमन मिश्रा हैं, अर्जुन रामसेन जी हैं, जो कि प्रॉपर कमेंट करते हैं। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं सभी वीडियो में कमेंट करते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और इसके बाद राम कांति जी हैं, रत्न प्रभा हेगड़े जी हैं, आरती जी हैं, सुमन राय हैं, अभिजीत यादव जी हैं, मद बाबू, इसके बाद सीमा गुप्ता हैं, बनारसी यूट्यूबर हैं, घनश्याम पटेल जी हैं, और इसके बाद वंदना सिंह हैं, सीमा गुप्ता हैं, किरण वर्मा हैं, राजेश कुमार हैं और अनुपम कुमार हैं। इसके अलावा और भी मेरे दोस्त हैं जो कि बराबर कमेंट करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो एक साथ सभी लोगों का नाम नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो बीच बीच में कभी कभी आप सभी लोगों का मैं नाम ले लेती हूँ बारी बारी से। तो सभी को दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और दोस्तों जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे इंटरेस्टिंग। जब भी समय मिलेगा इनको आपको वीडियो अपलोड करती रहेंगे। और दोस्तों कुकिंग वाले चैनल पे भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहाँ पे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को, 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, 2 लाख फैमिली हम लोग की यूट्यूब की हो गई है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही दोस्तों आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे, बस आप सभी लोग की शुभकामनाएं हम लोग को चाहिए, और आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय बाय। देखिए छुट्टी भी बाय कर रही है। बोलो, मुंह से बोलो बाय। देखिए शर्मा रही है, बोल नहीं रही। बाय बोल दीजिए। हेलो दोस्तों बोल दीजिए एक बार, कर दीजिए। बहुत ज्यादा पसीना हो गया है। बाय बोल दीजिए, तो बोल दीजिए हेलो दोस्तों, जोर से बोलिए तो एक बार। देखिए।